हाय गाइज, वेलकम बैक टू द मैन इन वन चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका वीकेंड अमेजिंग जाएगा। आज के इस वीडियो की अगर हम बात करें, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो फ्रेग्रेंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो होने वाला है स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली, जिसके बहुत ही कम रिव्यूज हैं ऑनलाइन। सो कीप वॉचिंग, आई विल बी बैक। वेलकम बैक गाइज। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा हर रिव्यू में जो फर्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं वो होता है उसका प्रेजेंटेशन। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट ओन दी फुल बॉटल, तो हम उसका कंप्लीट प्रेजेंटेशन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। सैंपल कुछ अच्छा ऐसे दिखता है एंड आई लाइक दी सैंपल। सैंपल की पैकिंग अच्छी है, अगर आप लोगों को बॉटल देखना है सो दैट इज हाउ दी बॉटल लुक्स। बहुत हैवी थिक ग्लास वाला बॉटल है, बट आई कैन नॉट शो यू द बॉटल। तो हम लोग स्ट्रेट चलते हैं टू हाउ डज इट स्मेल। नाउ बिफोर वी डिस्कस दी ओपनिंग, जो ड्राई डाउन है मेरा इस हाथ पे ऑलरेडी मैंने स्प्रे किया हुआ है और ये उसका सैम्पल है, ऑलरेडी मैं काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ, तो आई एम रेडी टू डिस्कस हाउ डज इट स्मेल। तो चलिए इसे फ्रेशली स्प्रे करते हैं ताकि हम इसको ओपनिंग डिस्कस कर पाएँ। वेरी नाइस, वेरी एफर्टलेस स्प्रेयर, बहुत अच्छा स्प्रेयर है सैम्पल होने के बावजूद। नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द ओपनिंग। तो अगर अब हम लोग ओपनिंग की बात करें, ओपनिंग में स्ट्रेट अवे यू कैन पिक द स्पाइसी नोट्स। स्पाइसी नोट जो है वो है सिनेमन एंड पिंक पेपर, और उसके अंडरनीथ यू कैन पिक सम स्वीटनेस। ओपनिंग में बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, पेपर ही थोड़ा ज़्यादा है और ओपनिंग में थोड़ा सा ब्राइट है कंपेयर टू द ड्राई डाउन। ओपनिंग जो है इसका आपको कुछ ज़्यादा यूनिक नहीं लगेगा, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेज जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले हम लोग इसका ड्राई डाउन डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द ड्राई डाउन। अब देखिए, ड्राई डाउन में जो ओपनिंग का स्वीटनेस था, जो थोड़ा कम था ना, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। यहाँ पे और नोट हिट करते हैं जो कि और स्वीट बनाते हैं, सच एज टोंका बीन, वनीला, टॉफी नोट। इसमें बहुत ही यूनिक नोट है टॉफी नोट, जो कि इसे और ज़्यादा कैरमेल स्वीटनेस देता है ड्राई डाउन में, और इसमें ग्रेजीनेस स्वीटनेस भी आता है थोड़ा ड्राई डाउन में। तो ये ड्राई डाउन में काफ़ी स्वीट हो जाता है कंपेयर टू दी ओपनिंग। और जो स्पाइसी नोट्स हैं इसके ओपनिंग में वो थ्रू आउट कैरी होते हैं, और एक और नोट आता है सेज, जो ड्राई डाउन में थोड़ा सा प्रोमिनेंट आता है कंपेयर टू दी ओपनिंग, जो इसे ड्राई डाउन में थोड़ा सा हर्बल टच देता है। इसमें एक और नोट आता है स्वीट का, जो कि इसे थोड़ा सा डार्कनेस भी देता है और थोड़ा सा डेप्थ इसे देता है। तो ओपनिंग से ड्राई डाउन में ये फ्रेग्रेंस काफी डेवलप होता है। ड्राई डाउन में ये स्मेल करता है स्पाइसी, वार्म एंड स्वीट। अब जो हमने बात की स्वीट, स्पाइसी एंड वार्म, इट रिमाइंड्स मी ऑफ सो मेनी अदर फ्रेग्रेंसेस। टॉम फॉर नोआर एक्सट्रीम, इट रिमाइंड्स मी ऑफ ज़ारा टोबैको सीरीज, इट रिमाइंड्स मी ऑफ स्पाइस वार्म एक्सट्रीम। अब जो मैंने इन तीन फ्रेग्रेंसेस के नाम लिए, उनमें से एग्जैक्टली सेम ही किसी से भी नहीं है, बट उनके वाइब्स हैं इसमें। तो इट इज़ नॉट अ वेरी यूनिक फ्रेग्रेंस, बट हाँ, दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस इन द डिजाइनर टेरिटोरी। तो ये हो गई इसकी फ्रेग्रेंस की बात। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ डज इट परफॉर्म। अब देखिए, एक सैम्पल से परफॉर्मेंस जज करना इज नॉट फेयर, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस जो सैम्पल से मुझे मिला है, मुझे काफ़ी अच्छा जो है इसका परफॉर्मेंस मिला है। आप देख सकते हैं मैं मोर देन हाफ सैम्पल यूज़ कर चुका हूँ। मैं अपने स्किन पे टेस्ट किया है और अपने क्लोथ्स पे भी ट्राई किया है। जो स्किन पे मैंने ट्राई किया है वो अपने हाथ और नेक पे किया है। तो अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूँ, तो मुझे 2 घंटे के आसपास इसका प्रोजेक्शन मिला है, काफ़ी नोटिसेबल था। मुझे खुद को भी पता चल रहा था कि 2 घंटे तक बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और लॉन्जिविटी इसकी स्किन पर इजिली 7 आवर्स के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट, क्लोथ्स पे यू कैन एक्सपेक्ट इवन लॉन्गर। तो अगर आप सैम्पल से कंपेयर करें, अगर आप फुल बॉटल ऑन करेंगे, तो फुल बॉटल से यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि उसका स्प्रेयर बेटर होता है एंड यू डेफिनेटली स्प्रे मोर देन सैम्पल। तो लॉन्जिविटी में इट इज अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड, नो इश्यूज। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द वर्सेटिलिटी फैक्टर। जैसे मैंने आपको बताया, स्वीट, स्पाइसी एंड गुरमोन टेरिटोरी में है। दिस इज डेफिनेटली मोर सुटेबल फॉर विंटर एंड फॉल सीजन। अब विंटर और फॉल सीजन में भी मैं अपना पर्सनली जो ओपिनियन आपको दूंगा, ये आप सिर्फ नाइट टाइम में ही पहनिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लाउड और थोड़ा सा थिक फ्रेग्रेंस है, तो नाइट टाइम में ये ज़्यादा बेटर रहेगा। नाइट टाइम में आप इसे डेट के लिए पहन सकते हैं, नाइट क्लबिंग के लिए पहन सकते हैं, आउट गोइंग इवेंट्स के लिए पहन सकते हैं, और अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तब पहन सकते हैं, उसके लिए तो ये परफेक्ट फ्रेग्रेंस है। बट अगर आप इसे ब्लैक टाई इवेंट्स में पहनेंगे, तो आप इसे थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए आई कैन रिकमेंड यू बेटर फ्रेग्रेंसेस। मैं अपकमिंग वीडियोस में एक टॉपिक बनाने वाला हूँ इंडियन वेडिंग्स और ब्लैक टाई इवेंट्स के लिए, तो वो फ्रेग्रेंसेस हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। बट वर्सेटिलिटी फैक्टर, जैसा मैंने बताया, विंटर एंड फॉल स्पेसिफिक फॉर नाइट टाइम्स।
तो इसका वर्सिटिलिटी फैक्टर ना ज़्यादा अच्छा है ना बुरा है, एक नॉर्मल वर्सिटिलिटी है इसकी विंटर एंड फॉल के लिए। तो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट कैटेगरी, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट बेस्ड ऑन सैम्पल डिस्कस करूँ थोड़ा अनफेयर है, बट स्टिल द वे इट स्मेल्स थोड़ा मैस अपीलिंग साइड पे है, इजी टू वेयर है एंड गुड विंटर फ्रेग्रेंस है, तो आई कैन सी पीपल कॉम्प्लीमेंटिंग ऑन दिस फ्रेग्रेंस। तो कॉम्प्लीमेंट में अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस दिस विल बी अ गुड कॉम्प्लीमेंट गेटर। तो कॉम्प्लीमेंट में आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू होगा क्योंकि इजी टू लाइक मैस अपीलिंग फ्रेग्रेंस है। नाउ इट्स टाइम टू गिव दिस फ्रेग्रेंस एन ओवरऑल रेटिंग। मैं इसे सॉलिड 8 out of 10 दूंगा। ये फ्रेग्रेंस अच्छा है बट जैसे मैंने बताया यूनिक नहीं है, इट स्मेल्स लाइक सो मेनी अदर फ्रेग्रेंसेस। दूसरा, ये एक्सपेंसिव साइड पर है इंडिया में आपको और इजीली मिलेगा भी नहीं। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है। तो इट इज़ अ सॉलिड फ्रेग्रेंस, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। खरीदने से पहले प्लीज़ आप इसे चेक करिए, ट्राई बिफोर यू बाइंग। सो दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस बट प्लीज एज आई सेड ट्राई बिफोर बाइंग। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, उसे लाइक करते हैं। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको यहाँ पे यूजर नेम मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप लोग फ्रेग्रेंस के फैन ही नहीं है यार, बहुत फन करते हैं हम लोग वहाँ पे, बहुत इंटरैक्टिव कंटेंट, बहुत इंटरैक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर करता हूँ मैं वहाँ पे Q&A। यू शुड डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ये था आपका आज का कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में कौन सी फ्रेग्रेंस के रिव्यूज़ देखने हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड घंटी का आइकन दबाइए सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।